देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिंगल यूज प्लास्टिक वैन को लेकर दरभंगा नगर निगम के पदाधिकारियों द्वारा शहर के मिर्जापुर चौक स्थित कई दुकानों में छापेमारी की गई। कुल 18,500 का जुर्माना भी लगाया गया, जिनमें 6,500 की वसूली भी कर ली गई। शेष राशि की वसूली के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। राधे राधे 5,000 रूपए, बाजार कोलकाता 10,000 रूपए आदि, आगे भी कार्रवाई जारी है। आप भी बच सकते हैं, अगर प्लास्टिक यूज करते हैं तो अभी ही बैन कर दे, नहीं तो आपके भी दुकान में छापेमारी कर ली जा सकती है। हरिओम, चेक करा दो। कितना हल्ला करे सामने वाला कॉल ले रही है। सामने वाला आए, सामने वाला पप्पू राजीव। समानालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की प्रगति की समीक्षा बैठक एवं निपुण बिहार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बैठक की गई। बैठक में प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय चंद्र भगत द्वारा जिले में साक्षरता की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों की द्वितीय डोज का टीकाकरण लगाया जाएगा। विद्यालय में चल रहे मध्याह्न भोजन अभियान के संदर्भ में भी जानकारी दी। संभाग प्रभारी जया सराब की द्वारा ई संवर्धन पोर्टल पर निजी विद्यालयों की सूची संबंध करने के लिए किए जा रहे विलंब को लेकर उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा समिति की गठन किया जा चुका है। 10 विद्यालयों में गठन नहीं होने की जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर समिति का गठन करा लेने का निर्देश दिया है। उच्च विद्यालय में 155 विद्यालय में विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का गठन शेष बताया गया है। प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस माह में 52 शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त के दिन ही उन्हें सभी सेवांत लाभ मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाए और इसकी सूचना नामवार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संपूर्ण जिले में फर्जी नामांकन हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निपुण भारत कार्यक्रम के तर्ज पर निपुण बिहार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम चलाया जाना है, जिनमें 2026-2027 तक कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित में वांछित ज्ञान क्षमता एवं सीखने की क्षमता प्राप्त हो सके। की आज समीक्षात्मक बैठक थी, उसमें विभागीय जितने भी मामले थे उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि बच्चों की जो सीखने की गुणवत्ता है उस पर ध्यान दें और ये इंश्योर करें कि जो प्राथमिक कक्ष के बच्चे हैं वो अपने कक्ष के हिसाब से वो सीखे, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे बल देने की बात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये इसमें कि 2 बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। पहली बात थी जो चैप्टर 1 में निहित है, वो है पूर्व बालपन शिक्षा से संबंधित बातें। इससे पहले पूर्व बालपन शिक्षा को इतने विस्तृत रूप में शिक्षा के साथ नहीं जोड़ के देखा जा रहा था। और दूसरी बात थी बुनियादी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और पूर्व बालपन शिक्षा दोनों को अगर मिला के हम देखते हैं तो वर्ग पूर्व बालपन के जो उम्र है 3 साल और प्राथमिक कक्षा के जो 3 साल हैं, यानी 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये पूरी की पूरी शिक्षा की व्यवस्था बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के तहत लाई गई। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सराफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में तालाब बचाओ समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्य विवेकानंद झा द्वारा बताया गया कि जिले के तालाबों को सुरक्षित रखने हेतु 15 अगस्त से 2 अक्टूबर को तालाबों के समीप कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही शहरी क्षेत्र के तालाबों को सुरक्षा के लिए नगर निगम के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन कराया जा सकता है। जिलाधिकारी ने 15 अगस्त को 75वें अमृत सरोवर के साथ जिले के प्रत्येक पंचायत के एक बड़े तालाब पर झंडा तोलन कार्यक्रम कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक समिति का गठन कर लिया जाएगा, जिनमें स्थानीय पदाधिकारी को भी रखा जाएगा। 15 अगस्त के दिन उस स्थल पर सबसे वरीय जनप्रतिनिधियों या सबसे सम्मानित व्यक्ति से झंडा तोलन कराया जाएगा। समिति द्वारा तालाबों को बचाने को लेकर अन्य जिले में किए जा रहे कार्यों से अवगत भी कराया गया। दरभंगा के जीएम रोड ट्रिपल हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के कई सदस्यों ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन से मुलाकात किया। मंगलवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर बाहर निकलने के बाद हमने बात किया परिवार के सदस्य निक्की झा और पूजा झा से, तो इन लोगों ने हमसे बात करते हुए शिकायत किया कि इनके घर पर नियुक्त गार्ड को बदल कर बिहार मिलिट्री पुलिस BMP हाउस गार्ड के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाए और साथ ही ट्रिपल हत्याकांड के मुख्य आरोपी कपिलेश्वर सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग जिलाधिकारी से मुलाकात कर कही। मुआवजा के मामले में जो बचा हुआ है उस मामले में लेकर आए थे और होम गार्ड चेंज करवाना था उस मामले में, और SSP सर जो है हम लोग का रिस्पांस नहीं ले रहे हैं बल्कि उनको एप्लीकेशन दिया गया है, सिर्फ बोलते हैं देखते हैं देखते हैं। वो मामला कपिलेश्वर सिंह का नाम ले रहे हैं, उनको कुछ गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, मेरा भाई बहन को जिंदा जला दिया गया, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। हम दौड़े जा रहे हैं हर जगह, उसी मामले में DM सर को बोल रहे हैं, बोले हैं कि हम बात करेंगे। जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से आयोजित 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2022 तक जिला परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार को भी दूसरे दिन भी जिला परिषद दरभंगा के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी सहित अन्य कई पदाधिकारियों एवं जिला परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जिला परिषद की शक्तियां, कार्य एवं उनके दायित्व के संबंध में विस्तार से चर्चा किया गया एवं साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया। बताना है कि अपने जो कंसर्न जहां पे घटना हुई उस घटना स्थल के अंचल से अभिलेख बना के कंसर्न जिला में भेजे, जिला से स्वीकृत होकर जिस जिला का स्थायी निवासी है वहां चला जाएगा, वहीं से उसका भुगतान कर दिया जाएगा। थाना के सभा में ये अगर हत्या का मामला है तो फिर हम लोग की आपदा में वो नहीं आएगा। जैसा एक कीर्ति का मामला था जिसमें उसकी आप लोगों को ध्यान भी होगा, बाइक से लोग जा रहे थे, गिर गए थे, कुछ ऐसा था, उसके सनहा में उसकी मदद ने डाला था कि किसी ने से एक्सीडेंट करके मतलब हत्या का आरोप लगाया था, तो वह आपदा में नहीं आता है। अगर नेचुरल डेथ डूबने से हुई है किसी की भी तो आप उनका पोस्टमार्टम जरूर कराएं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं, थाना का सनहा, ये 3 चीज करके अंचल में आवेदन जमा कर दें। कर्मचारी जाएगा, स्थलीय जांच पूछताछ होता है और उसके बाद वो अभिलेख हमारे पास आता है, मैं ओके करता हूँ, ADM सर करते हैं, DM सर करते हैं, भुगतान हो जाता है। कोई सामाजिक आदमी ऑटो ड्राइव हो उसकी जान बचाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, उसको जाके उसको ट्रीटमेंट करवाता है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान बहुत फैला है जो मेरे संज्ञान में आया था उसका सत्रह वेतन से लगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
मुख्यमंत्री के साथ निश्चय के तहत खोले गए बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा के छात्रों को हॉस्टल की समस्या है। इन लोगों को हॉस्टल नहीं दिया गया है, जिस समस्या को लेकर डीएमसीएच नर्सिंग कॉलेज के दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। दरभंगा जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या के लेकर पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में इन लोगों ने अपने हॉस्टल की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपने की बात कही, वही कार्यालय अधीक्षक सामान्य के रूप में उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बाद में ज्ञापन सौंपने के बाद नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों से जब हमने बात किया तो उन्होंने विभिन्न समस्याओं का उजागर किया। यहाँ पे हम लोग को दिन ब दिन बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे एग्जाम बीसीसी का एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, जिसमें हजारों से लाखों बच्चे बैठते हैं। उस कंपटीशन को पास करने के बावजूद हम लोग यहाँ हैं, लेकिन फिर भी हमें दिन ब दिन नए नए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सबसे पहले काउंसलिंग से स्टार्ट किए, उसके बाद हमारा यहाँ एडमिशन लेटर नहीं हो रहा था। यहाँ पे फिर हम लोग आए थे अपने कॉलेज का स्टार्ट करने के लिए, डीएमसीएस यहीं पे डीएम सर के पास भी आए थे और उसके बाद सचिवालय भी गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा हमें बोला गया था कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने और प्रॉपर हॉस्टल सभी को प्रोवाइड करने। उसके बाद हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हुई, लेकिन हॉस्टल प्रॉपर नहीं मिल पाया। हमारी जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसमें सिर्फ हमें 2 फ्लोर ही दिया गया है, और उस 2 फ्लोर के बाद जो नीचे में है उसे कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, लेकिन अभी तत्कालीन उसे अब आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। गायनिक और मेडिसिन ये सब आईसीयू वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे सेंट्रल आईसीयू, जिसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर वो शिफ्ट हो गई तो फिर कोविड सेंटर तो है ही, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा एकेडमिक बिल्डिंग भी और हॉस्टल का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हॉस्टल हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हम लोग जो बाहर रह रहे हैं, बहुत ही वीक फैमिली से हम लोग आए हैं। अपने एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल के लिए आए हैं कि मेरा हॉस्टल और एकेडमिक बिल्डिंग हम लोग को एक्वायर नहीं करने दिया जाए, जब हम लोग के पास ऑलरेडी लेटर आया हुआ है। ठीक है, हम लोग उसी मामले को लेकर के डीएम साहब से मिलने आए, लेकिन डीएम साहब अभी मीटिंग में हैं, इसलिए आज तो नहीं मिलने का अपॉइंटमेंट दिए गए हैं। वो बोले हैं कि सैटरडे को आकर करके या फ्राइडे को आकर करके मिल सकते हैं। अपने मुख्य समस्या यही है कि हम लोग पास ना हॉस्टल है, और जो हम लोग का बिल्डिंग है वो भी हम लोग का पूरी तरह से खाली नहीं मिल रहा, और हॉस्टल नहीं है इसलिए बच्चे बाहर रहते हैं और सभी मध्यम वर्ग के लोग हैं। अब हम लोग के पास इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि बाहर रह करके हम लोग अपना पठन पाठन को मतलब रेगुलर रूप से जारी रख सकें, ये संभव अब नहीं। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य आशा देवी ने दरभंगा के जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है। आशा देवी ने लिखित आवेदन के माध्यम से कहा है कि वासुदेवपुर पंचायत में जो 15वीं वित्त की राशि से जिम लगाया गया है, उस जिम का रेट 3 लाख रुपया है, लेकिन जो जिम लगाया गया है उस जिम का राशि 12 लाख रुपया की राशि दिखाकर रुपये का बंदरबाट और लूट खसोट किया गया है। यह शिकायत डीएम से की है। आशा देवी ने आवेदन में कहा है कि 3 लाख के सामान का बिल 12 लाख रुपया दिखाया गया है। इसी तरह कुल 9 पंचायत में जिम लगाया गया है, जो कई जगह जिम टूट भी गया है। वास्तेपुर पंचायत से पंचायत समिति बोल रहे हैं आशा देवी। जो वास्तेपुर में जो जिम लगा है, जिम जो गिर गया नदी को कहा था जिम, कि उसको नहीं बच्चा जा सकते हैं, न कोई जा सकते हैं, वो जिम भी गिर गया है। डीएम साहब के यहाँ हम आवेदन दिए हैं, 3 लाख के जिम है, हुआ 12 लाख रुपया लूट खसूट करके रखा गया है। मोहल्ला मिर्जा खा तालाब बेता स्थित लहरिया सराय में हजरत आशिक शाह जिलादी रहमतुल्ला अलैह के मजार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स का आयोजन प्रारंभ हो चुका है, और यह सालाना उर्स का आयोजन 11 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2022 तक 4 दिवसीय तक चलेगा। तालाब मिर्जा खां तालाब पर मजार शरीफ है हजरत आशिक शाह बाबा आशिक शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह।
11 से 14 तारीख तक है, दूर से भी आते हैं अपना मन्नत पूरा करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए। बहुत काफी पुराना है, सैकड़ों बरस से करते आ रहा हम।